भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित अमित जी, क्या वारदात हुई? वारदात ये थी सर कि मैं अपने घर गया था, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों अपने भाई को जगाने गए थे। कल संडे था, शनिवार को थक करके वो काम करके आया था, तो वो संडे को हमेशा रिलैक्स के लिए 12-1 बजे तक सोता ही है वो। तो हम लोग लंच के टाइम पे उसको जगाने के लिए गए थे, तो उसने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप लोग चलो। तो हमारे यहाँ बाथरूम तो होता नहीं, हम कैंप में रहते हैं, बाथरूम भारी होता है। तो वो बाथरूम के लिए आया, उसकी जेब में पैसे थे, 4 लड़कों ने उसको घेर लिया, पैसे छीना चपटी करी और उसके साथ मारा पीटी करी। 2 लड़कों ने उसके हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़ा, एक ने चाकू मारा जी। एक ही जगह पे 2-3 चाकू मारे उसके, एक ही जगह पर 2-3 चाकू मारे जी, जिसकी वजह से तीनों नस कट गई। डॉक्टर ने मुझे रात को बताया था, एक नस उन्होंने जोड़ दी थी, उन्होंने कहा मुझसे कि हम 2 नस बाद में जोड़ेंगे, पहले पेशेंट को होश आ जाए, पेशेंट जो है अभी ऑपरेशन के उसमें नहीं है। किस टाइम की बात है थी? ये कल 1 बजे के आसपास की थी, रात 1 बजे के, दोपहर के। अच्छा, कल दोपहर 1 बजे के लगभग की बात है जी। क्या नाम था भाई किसके साथ ये वारदात हुई? बाबूलाल। बाबूलाल जी, तो ये बाबूलाल जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये कल्याणपुरी के रहने वाले हैं, दिल्ली के। ये वारदात कहाँ हुई? कल्याणपुरी 18 ब्लॉक इंदिरा कैंप में। कल्याणपुरी 18 ब्लॉक इंदिरा कैंप में ही वारदात हुई जी। अच्छा, वारदात के समय उसके साथ कौन कौन थे? उसके समय वारदात के टाइम पे मेरा सबसे छोटा वाला भाई था, उसके 10 मिनट बाद वारदात होने के बाद मैं पहुँचा हूँ जी। आपको किसने सूचना दी? मेरे को मेरे छोटे भाई ने सूचना दी, ताकि मैंने उसको दोबारा भेजा कि लंच के लिए उसको उठा के लिया। जब वो शौचालय के लिए आ रहा था तो उस वक्त वो वहीं पर ही रुक गया था, उसके साथ हाथापाई हो रही थी, उसको बीच बचाव के चक्कर में वो लेट हो गया था, तो उसके चाकू मार दिए थे। मारने के बाद वो और उसके साथ हाथापाई कर रहे थे, वो अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ से वो भागा हम चारों को घर पे सूचना देने के लिए। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। अच्छा, वहाँ पर जब ये वारदात हो गई तो पुलिस को सूचना कैसे मिली? पुलिस को किसने सूचना दी थी? पुलिस को सूचना हमने ही दी थी कल। क्या बताया? यही बताई थी सर, ऐसे ऐसे बाबूलाल के साथ चाकू मार दिए गए, छीना चपटी करी गई है और उसके बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया है, उसको लाल बहादुर ले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस लाल बहादुर आई, फिर उसके बाद GTV आई। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? आरोपियों को गिरफ्तार करा या नहीं किया अभी तक? अभी तक तो सर मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं कल से यहीं अस्पताल में हूँ। अब मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेके जाऊंगा, जब मुझे पता लगेगी घर पे जाके कि कार्रवाई करी है या नहीं है। बाकी सारी पुलिस यहीं पर ही है अभी मेरे साथ, साथ में SHO भी हैं और उनके 4-5 सिपाही भी हैं। और IG आपको हत्या का शक, आपको तो ये जो मामला हुआ है, जो चाकूबाजी का मामला हुआ है, किसी व्यक्ति पे शक है? आपको कोई वहाँ पे मतलब तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता हूँ या कोई अनजान आदमी का? हाँ जी, उसके साथ 3-4 जने थे, मैन जो था वो एक ही था। उसका नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उस लड़के को जानता नहीं, मुझे उसका नाम पता लगा है। मैं अभी पोली नाम है वैसे उसका, जो मैन चंदू और दूसरा उसका चंदू। तो ये आपने पुलिस वालों को बताया, ये नाम बताया? जी, मैंने सब कुछ बता दिया, उन्होंने मेरे से कल रात को बयान ले लिए, दोपहर में भी लिए थे लाल बहादुर में, GTV ट्रांसफ़र करने से पहले, और उसके बाद अभी भी बयान लिए गए हैं पोस्टमार्टम करने से पहले। अभी आप क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस और? मैं यही चाहता हूं सर, हमारे साथ सख्त से सख्त इंसाफ हुआ जाए, जिसने मेरे भाई की हत्या करी है उसको बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला जाए। मतलब जिसने आपके भाई के साथ वारदात की है जी, उसको सख्त से सख्त सजा हो ही जाए, सजा मिले और आपको न्याय मिले जी। बिल्कुल।